आज पूरी दुनिया जो कहती थी भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना, साधु महात्मा पाखंडी होते, ऐसे पढ़े लिखे लोगों के मुंह पर तमाचा बागेश्वर बालाजी के दरबार से लग रहा है। और मेरे पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, हर समस्या का समाधान सिर्फ बागेश्वर हनुमान। आपको बागेश्वर धाम भटकने की आवश्यकता नहीं, घर बैठे आप नारियल बांध दीजिए, प्रतिदिन ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करिए, आपके लिए आपका घर ही बागेश्वर धाम हो जाएगा। कथाओं के नाम पर आपको कोई बहुत लोग बहकाते हैं कि बहुत महंगा, बहुत कॉस्टली। सच तो यह है, हमने कभी कथा के लिए दक्षिणा नहीं मांगी है, जो व्यवस्था है सिर्फ व्यवस्था मांगी। पंडाल ज्यादा चाहिए रहते हैं क्योंकि बहुत पागल जोड़े बागेश्वर धाम के, भंडारा चाहिए रहता है, कलाकार जो आते हैं उनकी व्यवस्था, गाड़ियों की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था और अन्नपूर्णा भंडारा जो चल रहा है उसके लिए सहयोग। बाकी कभी ये नहीं कहा कि 50 लाख या 1 करोड़ देना है। एक बार हम एक अमीर आदमी के घर गए, बोले गुरुजी हमारे घर पर चरण रख दो, हमें घर दे रही हूँ। तो फिर तो चरण धर बेहू के घरे गए, आरती थाली लेके खड़ो, बढ़िया स्वागत भाव हमाओ, आरती आरती लेकर। लेकिन हम जैसे ही गाड़ी से उतरे, सो हल्के हल्के बड़ी बड़ी कुत्ता ही कुत्ता, 4-5। हमने गौर से देखो, हमने कही गुरु अगर एक ही चढ़ बैठो ऊपर तो वे बिस्कुट सौ खा जाना। हमने कहा देखो भाई अपने राम नहीं उतर रहे यार, चेरा बोलो गुरुजी उतरा। हमने कही हम नहीं उतर रहे, बोलो हमें कही पहले कुत्ता ना भगा। अच्छा चेला भी हमने बड़ो बारो, बोलो गुरुजी जी जो सब शाकाहारी